cards in the line. Just hit the beam and fly. Credit cards and scams. हम डीएवी कांटी में हैं, 12 का रिजल्ट निकला है और यहाँ के प्रचार से पूछना चाह रहे हैं सर कि कैसा रिजल्ट आपके स्कूल का रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर हमारे पास अपना कीमती समय दिए। रिजल्ट हिसाब से, बच्चों के हिसाब से अच्छा है। सीबीएसई ने बहुत स्क्रूटनी करके रिजल्ट निकाला है, पिछला रेफरेंस ईयर लेके निकाला है, तो इसमें कुछ जो तेज हमारे बच्चे हैं जो पिछले साल के बनस्पत अच्छा कर रहे हैं इस बार, तो उसको थोड़ी सी मार्क्स में कमी आई है जिसके लिए वो कुछ नाराज हैं। बट ओवरऑल सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है और जिस नॉर्म्स पे उन्होंने रिजल्ट बनाया है वो रिजल्ट सराहनीय है और बहुत अच्छा है। हमारे सारे बच्चे अच्छे अंकों से पास किए हैं और अच्छा रिजल्ट है स्कूल का। इसमें सीबीएसई का पूर्णतः योगदान है और हम लोग रिजल्ट बनाने में सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे साल का उसका एवरेज रिकॉर्ड, पूरे साल का परफॉर्मेंस सब ध्यान में रखते हुए रिजल्ट बनाए। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ? यहाँ का हाईएस्ट 89.4 है जो किशन कुमार को है। वो ऑफलाइन एग्जाम देने से हो सकता था उसका 91 या 92 होता, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्कोर अच्छा है, रिजल्ट के हिसाब से वो खुश है बच्चे। माइसेल्फ किशन कुमार, स्टूडेंट ऑफ डीएवी कांटी। आई गॉट 89.4% इन क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड माय परसेंटेज क्रेडिट गोज टू प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स। एंड आई स्पेशली वांट्स टू थैंक्स प्रिंसिपल सर हु ऑलवेज सपोर्टेड एंड मोटिवेटेड मी। I am little bit disappointed because I could score much better than this if exam happens. But I am happy too because my aim was to top in my school and I have done it and everyone is happy with my percentage, my parents and my teachers. At now I am preparing for NDA examination as my aim is to become a lieutenant in Indian Army so that everyone can proud on me. I studied 6 to 7 hours and my message to youngsters is that you should focus on your study and also play games so that your mind will be free and you can perform well in your life. तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? Yes, I am happy, but I can get more marks if CBSE has to come. जैसा कि CBSE बोर्ड के द्वारा 14+13+30 का मार्क्स का जो दिया गया है, तो क्या आप एग्ज़ाम अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्या आपका इसका मार्क्स ज़्यादा आता है या आप इससे संतुष्ट हैं? No, I can score more marks. कितने परसेंट आने के आपके चांस थे? 90+. किस सब्जेक्ट से आपने पास किया है? साइंस मैथ्स। आगे का आपका, आप आगे क्या बनना चाहते हैं? आई वांट टू गो इन बैंक्स, आई वांट टू जॉइन आरबीआई। आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? ऑफ कोर्स आई वांट टू गिव दैट लग रहा है आपको 12th का रिजल्ट घोषित हुआ है कल जो? अच्छा लग रहा है, अच्छा ही है। अगर हम एग्ज़ाम देते तो 80+ तो आ ही जाता मेरा। आप क्या इससे संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। आगे आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? अभी हम नीट का फॉर्म भरे हैं तो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देना है। और जाता है सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स जो इतना सपोर्ट करते हैं हमको, और फिर प्रिंसिपल सर, टीचर, पास करके 12th का एग्ज़ाम अच्छा लग रहा है। पास करके कितने परसेंटेज आपको आए हैं? 76.8%। तो अगर जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें क्या आप इस मार्क्स से संतुष्ट हैं? ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बोर्ड नहीं आ सकता था। कितने परसेंट आपको आने के चांस थे? 85+ आ गए। क्या आप अपना श्रेय किसको देना चाहते हैं? प्रिंसिपल सर, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स। आपका एम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, CA बनना। इसके लिए आप प्रिपरेशन कहाँ, बिहार से ही करना चाहते हो या कि अदर स्टेट से करना चाहते हो? नहीं, बिहार से ही करना। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हो ये?